Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you in the Sikai Classes digital platform. Last time, the chapter that we have selected for ORCC was Natural Vegetation and the Wildlife. And if you remember that time, the topic that we were discussing was types of vegetation. And we have discussed that the different types of vegetation that are found in India are tropical evergreen forests, then tropical deciduous forests, thorn forests and shrubs, then mountain forests and the mangrove forests. And last time we have discussed the one type of vegetation that was tropical evergreen forests. And today we will be discussing the second type of vegetation, that is tropical deciduous forests. Okay? So when we talk about the tropical deciduous forests, these forests are the typical forests of the monsoon region. So that's why they are also called as the monsoon forests. Okay? These are also called as the monsoon forests. Why so? Kyun inko bola jata hai monsoon forests? Kyunki ye un areas mein, un regions mein paaya jata hai, jahan pe jin areas mein, jin regions mein we are having a monsoon type of the climate. So that's why inko bola jata hai monsoon forests bhi. ठीक है, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है. इनका दूसरा नाम क्या है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट का, दैट इज माना मानसून फॉरेस्ट. तो ये कहां पे पाया जाता है, फाउंड इन एरियाज रिसीविंग 70 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. जब हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज ऑफ इंडिया, इन दोज रीजन ऑफ इंडिया विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. While as जब हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये एरिया वो ये इन रीजन में पाए जाते हैं, उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है ना वो एनुअली रिकॉर्ड किया जाता है. Are you getting me? And ट्री जो है दे शेड देयर लीव्स इन द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन. ओके, इन द फेस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वॉटर. शॉर्टेज ऑफ वॉटर की वजह से आप देखोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन जो है ना ये अपने लीव्स को शेड करते हैं. आर यू गेटिंग मी? तो जब हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, बट एंड दैट्स व्हाई दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. मगर जब हम ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये जो है ये अपने लीव्स को शेड करते हैं. एंड इसके अलावा दे अटेन द हाइट ऑफ, या वी कैन से दे कैन अटेन द हाइट ऑफ 30 to 45 मीटर्स. ठीक है ना, 30 to 45 मीटर्स ये जो है ना हाइट अटेन कर सकता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स. एंड इसमें आप देखोगे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. लायन पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में. लायन के अलावा टाइगर्स पाए जाते हैं, इसके अलावा डियर पाया जाता है, एलिफेंट पाया जाता है, इसके अलावा वैरायटी ऑफ बर्ड जो है ना वो पाए जाते हैं, लिजर्ड जो है वो पाए जाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स जो है वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स में. इज दैट क्लियर? तो बेटा ये था सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जब हम बात करते हैं इन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स की, तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया टू टाइप्स में, या फर्दर क्लासिफाई किया गया टू टाइप्स में. वन मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स, इसके अलावा सेकेंड वन जो है दैट इज ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स. ठीक है ना, मगर किन बेसिस पे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया टू टाइप्स में, दैट इज मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स एंड इसके अलावा ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. तो ये जो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल में ये बेस्ट थ्राइव करते हैं. एंड इसके अलावा ये कहां पे पाए जाते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. जो हिमालयाज है राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर दिस अप टू द अरुणाचल प्रदेश, उनके फुट हिल्स में पाए जाते हैं. इसके अलावा झारखंड में पाए जाते हैं मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स. इसके अलावा उड़ीसा में पाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स. उसके अलावा इनमें जो कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, टीक पाया जाता है, टीक के अलावा बैम्बू जो है वो पाया जाता है
मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में साल पाया जाता है, इसके अलावा शीशम पाया जाता है और इसके अलावा सैंडलवुड पाया जाता है। सैंडलवुड जो है ना इसका बहुत ज्यादा फर्नीचर वैल्यू है, ठीक है। या इसके अलावा जो हमने यहाँ पे साल की बात कही है, साल वो एक ट्री है जिसके अंदर जो है ना, जिस आपने सुना होगा जेनिज्म का जो फाउंडर था वर्धन महावीरा, वो एनलाइटेंड हो गए अंडर दिस साल ट्री। तो साल ट्री की जब हम बात करते हैं, ये सेक्रेट ट्री माना जाता है जो है जेनिस के लिए। इज दैट क्लियर? जिस तरह से पेपर ट्री जो है वो सेक्रेट माना जाता है बुद्धिस्ट के लिए, क्योंकि गौतम बुद्धा जो है वो एनलाइटेंड हो गए थे अंडर द पेपर ट्री इन बोध गया बिहार। तो यहां पे आप याद रखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो है ना उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, वन मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स और उसके अलावा ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स। तो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स को हमने डिस्कस किया। सेकंड जो है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे आप देखोगे 70 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है ना दे नीडेड एनुअली। यहां बोलेंगे 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल में ये बेटर थ्राइव करता है। इसके अलावा रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो जो है ना जहां पे अच्छी खासी बारिश गिरती है वहां पे, क्योंकि कुछ एरिया जो है पेनिनसुलर प्लेटो के वो आते हैं रेन शेड एरिया में, वहां पे कम बारिश गिरती है। तो यहां पे पेनिनसुलर एरिया का वो वाला एरिया जहां पे अच्छी खासी बारिश गिरती है वहां पे पाया जाता है ये ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स। इसके अलावा प्लेन इज ऑफ बिहार, बिहार के प्लेन एरियाज में और यूपी के प्लेन एरियाज में ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्री जो यहाँ पे पाए जाते हैं, टीक यहाँ पे पाया जाता है, साल यहाँ पे पाया जाता है, पेपर ट्री यहाँ पे पाया जाता है, नीम जो है ना ये पाया जाता है। सो ये था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, वन इज मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट एंड सेकंड जो है दैट इज ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। इसके अलावा मूव करते हैं दिस थर्ड टाइप के वेजिटेशन के ऊपर, दैट इज ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट्स और श्रब्स, ठीक है ना। ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट्स और श्रब्स की जब हम बात करते हैं, ये आप देखोगे बेटा पहले फाउंड इन एरियाज विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर्स, ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है, उन एरियाज में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट्स और द श्रब्स। तो कहां कहां किन किन स्टेट्स या किन किन एरियाज में ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं ये ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट्स और श्रब्स, राजस्थान में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पंजाब में पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ एमपी में पाया जाता है ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट्स एंड द श्रब्स। इसके अलावा कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज, इनमें कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज कौन कौन से कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, और आप याद रखोगे ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट और श्रब्स की जब हम बात करते हैं इनमें डीप रूट्स होते हैं, एंड वो जो डीप रूट्स है ना दे पेनिट्रेट डीप बीनीथ अर्थ सरफेस एंड वहां से वो मॉइस्चर एंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इनमें स्पाइनल्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स। एंड यहाँ पे कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्री जो पाए जाते हैं इनमें एकाशिया जो है इस ये कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज है, पाम्स जो है ना ये अनदर स्पीशीज ऑफ ट्री, उसके अलावा कैक्सिया जो है ना ये कॉमन स्पीशीज है, किकर जो है ना ये पाया जाता है, बबूल जो है ना ये पाया जाता है। तो ये डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है जो पाए जाता है ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट्स एंड श्रब्स में। एंड इसके अलावा जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया कि ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स विच गेट पेनिट्रेटेड इन द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, ठीक है। तो इनमें इन ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट एंड श्रब्स की जब हम बात करते हैं इनमें लॉन्ग रूट्स होते हैं, एंड वो जो लॉन्ग रूट्स है दे पेनिट्रेट डीप बीनीथ अर्थ सरफेस एंड वहां से वो वाटर एंड मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा लीव्स आर थिक, लीव्स इसके इनके थिक होते हैं एंड स्मॉल इन साइज, लीव्स ज़रा थिक होते हैं एंड वो होता है स्मॉल इन साइज। इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, रैट्स पाए जाता है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट और श्रब्स में। इसके अलावा टाइगर पाया जाता है, लायंस यहाँ पे पाया जाता है, हॉर्सेस पाए जाते हैं, इसके अलावा कैमल जो है ना वो भी पाया जाता है ट्रॉपिकल थॉरन फॉरेस्ट और श्रब्स में। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज
माउंटेन फॉरेस्ट्स. माउंटेन फॉरेस्ट्स की जब हम बात करते हैं, या नाम से ही पता चलता है कि दे आर फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज, दे आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन्स सच एज ऑन द हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स. हिमालयन माउंटेन रीजन के ऊपर ये फॉरेस्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं, एस्पेशली माउंटेनियस एरियाज के ऊपर ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. तो कहां कहां ये पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं ये, इसके अलावा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, एंड इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है माउंटेन फॉरेस्ट्स. ठीक है ना, जब हम जेएनके की बात करेंगे या उत्तराखंड की बात करेंगे या अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो ये तीनों स्टेट जो है ना माउंटेनियस स्टेट्स है, तो इनमें पाया जाता है माउंटेन फॉरेस्ट्स. ठीक है ना, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द वेजिटेशन एज शोन इन द टेबल. आप देखोगे डिक्रीज इन टेम्परेचर विद कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज हो जाता है. आर यू गेटिंग मी, मींस जब आप हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है. हम बोलते हैं ज्योग्राफी में द हायर वी गो द कूलर इट इज, तो जितना जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. जब आप हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से इनमें आप देखोगे चेंज पाई जाती है वेजिटेशन में, जो यहां पे दिखाया गया है टेबल में, प्यारा टाइप ऑफ माउंटेन वेजिटेशन. ठीक है ना, इसमें आप देखोगे टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट्स में आता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ना ये आप देखोगे किस ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये पाए जाते हैं. ठीक है ना, तो ऑल्टीट्यूड क्या है 1000 से लेकर 2000 मीटर्स के ऊपर ये पाए जाते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स. इसके अलावा इनमें जो मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, ओक पाया जाता है, चेस्टनट पाया जाता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स. इसके अलावा देन वी आर हैविंग टेम्परेट फॉरेस्ट्स साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ठीक है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट्स मगर ये पाए जाते हैं कहां पे, साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. तो ऑल्टीट्यूड क्या है 1500 to 3000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड में ये पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट्स. और यहाँ पे कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्री जो पाए जाता है, यहाँ पे पाइन पाया जाता है, देवदार पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, फिर पाया जाता है सीडर द्वारा ये पाया जाता है. इसके अलावा देन वी आर हैविंग द एल्पाइन वेजिटेशन. एल्पाइन वेजिटेशन जो है ना ये पाया जाता है अबव और 3600 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड के ऊपर. एंड इसके अलावा यहां पे जो कॉमन स्पीशीज ट्रीज के पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, सिल्वर फिर पाया जाता है, पाइनस पाया जाता है. इसके अलावा इनके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट्स में आपने देखा डिफरेंट टाइप की जो ना वेजिटेशन जो पाई जाती है. देन इसके अलावा इसमें जो ना मेन स्पीशीज जो एनिमल्स के पाए जाते हैं, कश्मीरी स्टेज पाया जाता है, इसके अलावा स्पॉटेड डियर पाया जाता है, जैकल पाया जाता है, जैक जिसको बोलते हैं, रैबिट पाया जाता है, यॉर्क पाया जाता है, इसके अलावा स्क्वायरल वगैरह वो पाया जाता है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल जो पाया जाता है माउंटेन फॉरेस्ट्स में. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की जब हम बात करते हैं, कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट्स एज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, इनको कहना टाइडल फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है, टाइडल फॉरेस्ट्स भी इनको बोला जाता है, बिकॉज दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स. तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द टाइडल फॉरेस्ट्स. एंड जब हम बात करते हैं डेंस रूट्स सबमर्ज अंडर वाटर, तो यहां पे आप देखोगे इनके रूट्स जो है वो डेंस होता है एंड वो होता है पार्शियली सबमर्ज अंडर वाटर व्हेन वी टॉक अबाउट द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. तो ये कहां पे पाया जाता है, डेल्टास ऑफ महानदी. ठीक है ना, इसके अलावा कृष्णा, एंड देन वी आर हैविंग द गोदावरी, इसके अलावा वी आर हैविंग द ब्रह्मपुत्र इज कवर्ड विद दिस टाइप ऑफ द वेजिटेशन. जब हम महानदी की बात करेंगे ये ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर में आता है. कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर में आता है. गोदावरी की बात करेंगे तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर में आता है. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जो है ना ये ईस्ट से आता है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल पहुंच के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है गंगा के साथ मिलकर. दैट इज कॉल्ड एज द गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या उसको सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है. तो इन सारे वेदर वी टॉक अबाउट द महानदी डेल्टा, वेदर वी टॉक अबाउट द कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इन डेल्टिक एरियाज के ऊपर आप कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वेजिटेशन. तो यहां पर आप देखोगे इन गंगा ब्रह्म पुत्रा डेल्टा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसको सोना सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है, वहां पे आप देखोगे सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. ये ट्री है जो पाया जाता है इन इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ऊपर. सुंदरी ट्री ये पाया जाता है विच प्रोवाइड ड्यूरेबल टिम्बर, जो टिम्बर प्रोवाइड करता है मगर वो क्या ड्यूरेबल होता है. और वो जो सुंदरी ट्री है वो बहुत ज्यादा जो है उसका जो वुड है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है. इसके अलावा यहां पर आप देखोगे
कॉमन स्पीशीज जो है प्लांट्स के कौन कौन से पाए जाते हैं, प्लम पाया जाता है, कोकोनट पाया जाता है, ट्रीज ग्रो हियर, तो ये जो है पाम ट्री, उसके अलावा कोकोनट जो है ना, दीज आर द ट्रीज जो ग्रो करते हैं दिस साइड में मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो यहाँ इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना वो पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, इसके अलावा क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, एंड इसके अलावा स्नेक्स जो है ना वो पाए जाते हैं। तो ये था दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो आप याद रखोगे ना, वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में वेजिटेशन को ब्रॉडली फाइव टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। उनमें हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा पहले, उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उसके दो टाइप्स पढ़े, मॉइस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उसके बाद में थॉरन फॉरेस्ट एंड शेबस पढ़ा हमने, उसके बाद में फोर्थ हमने माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा, और लास्ट वाला भी हमने पढ़ा दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। Is that clear? Now, उसके बाद में और एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज वाइल्ड लाइफ, या हम बोलेंगे क्या फाना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था कि वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन क्या है, तो हमने बोला कि वाइल्ड लाइफ जो है ना, इट रिप्रेजेंट्स द एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया दैट हैज नॉट बीन टेम्ड और दैट हैज नॉट बीन डोमेस्टिकेटेड। इज दैट क्लियर? तो वाइल्ड लाइफ की हम बात करेंगे। यहां पर आप देखोगे इंडिया इज रिच इन फाना। जब हम बात करते हैं एनिमल स्पीशीज की हम बात करेंगे तो इंडिया जो है ना रिच है फाना में, और यहां पर आप देखोगे 1200 स्पीशीज बर्ड्स के पाए जाते हैं, इसके अलावा 2500 स्पीशीज या फिशेज के पाए जाते हैं, इसके अलावा 89,000 एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी आपको मिलेगी। इनफैक्ट इंडिया इज अ कंट्री विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो ये डेटा जो यहां पर हमने आपके साथ स्लाइड में शेयर किया, ये भी इस बात को जस्टिफाई करता है कि इंडिया वाकई ही एक कंट्री है जहां पर बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है, क्योंकि यहां पर 1200 स्पीशीज जो है वो बर्ड्स के पाए जाते हैं, इसके अलावा 2500 स्पीशीज यहां फिशेज के पाए जाते हैं, 89,000 स्पीशीज यहां पे एनिमल्स के पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा इंडिया जो है ना, यहां पे ये वो कंट्री है जहां पे टाइगर भी पाया जाता है, जहां पे लायन भी पाया जाता है, जहां पे लेपर्ड भी पाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है ना, 1952 में चीता को डिक्लेयर किया गया एक्सटिंक्ट, मगर रिसेंटली जो है रिसेंटली पिछले साल जो है जिस चीता जो है उनको नामीबिया से लाया गया था और बाद में फिर यूपी की पार्क में उनको डाला गया था, हालांकि उनमें से बहुत सारों की जो है वो डेथ हो गई है। तो कहने का मतलब जो है इंडिया जो है इट इज वेरी रिच इन दिस वाइल्ड लाइफ। तो यहां पे आप देखोगे नीचे कुछ स्पीशीज दिए गए, इसके अलावा यहां पे लिखे गए एरियाज कि कहां कहां पे पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्पीशीज में पहले बात करते हैं एलिफेंट जो है ना ये कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है असम में, इसके अलावा कर्नाटका में पाया जाता है, और इसके अलावा केरला में पाया जाता है। जब हम असम की बात करेंगे, कर्नाटका की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे तो ये हाई रेनफॉल एरियाज में आते हैं, इनमें नेचुरल वेजिटेशन भी आपको ज्यादा मिलेगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहां पर आप देखोगे एलिफेंट्स पाए जाते हैं लार्ज नंबर्स में। तो एलिफेंट जो है ना दे आर फाउंड इन असम, दे आर फाउंड इन कर्नाटका, दे आर फाउंड इन केरला। उसके बाद में वन हॉर्न राइनो की हम बात करेंगे। वन हॉर्न राइनो जो है ना ये सारा स्पेशलिटी है, आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई गेस इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर विल फाइंड वन हॉर्न राइनो, ठीक है। इसके अलावा नडाली वहां पे, बल्कि आपको वेस्ट बंगाल में ही वन हॉर्न राइनोज भी पाए जाते हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में आपको राइनोज पाए जाएंगे, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में राइनोज पाए जाते हैं, मगर टू हॉर्न राइनोज वाले जब हम इंडिया की बात करेंगे स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो वहां पे वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। तो राइनोज जो है ये असम में पाया जाता है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इसके अलावा वाइल्ड एस एंड कैमल की बात करते हैं तो ये पाया जाता है रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, इसके अलावा राजस्थान में पाया जाता है। देन इसके अलावा लायन जो है एशियाटिक लायन की जब हम बात करते हैं तो ये फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है, ये आप याद रखोगे। इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में जो है मल्टीपल एमसीक्यू टाइप में बोलेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा टाइगर्स की जब हम बात करते हैं तो टाइगर जो है ये पाए जाते हैं एमपी में, ये सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा गंदियारा भी यॉक की हम बात करेंगे या तिब्बतन एंटेलोप की बात करेंगे या बहरहाल जिसको बोलते हैं ब्लू शीप, इसके अलावा केयांग वाइल्ड एस जो है ना ये पाया जाता है लद्दाख में।
में. तो ये है वाइल्ड लाइफ के बारे में, इंडिया जो है इट इज रिच इन वाइल्ड लाइफ. हमने यहाँ पे आपके साथ ज्यादा डेटा भी शेयर किया, इसके अलावा बहुत सारे स्पीशीज और उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो भी हमने डिस्कस किया कि किन किन स्टेट किन किन एरियाज में ये जो एनिमल्स है ना ये पाए जाते हैं. इज दैट क्लियर ना. उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने आपके साथ शेयर की, दैट इज व्हाई नीड टू कंजर्व द स्पीशीज. हमने इन स्पीशीज को क्यों कंजर्व करना है, हमने इनको क्यों पहला प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है. इज दैट क्लियर. तो ये क्वेश्चन जो है ना ये भी एग्जाम में लाना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. वी नीड टू कंजर्व द स्पीशीज, हमें इन स्पीशीज को क्यों कंजर्व करना है, इनको हमें क्यों प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है. नंबर वन, एनिमल जो है ना प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग. क्या इसके ना क्यों हमें इन ना डिफरेंट एनिमल स्पीशीज या प्लांट्स के, स्पेशली यहां पे एनिमल स्पीशीज की हम बात करेंगे, हमें इनको क्यों कंजर्व करना है, क्यों हमने इनको प्रोटेक्ट करना है. इसलिए क्योंकि ये हमें एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है. अगर हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, पहले ज्यादातर जब डिफरेंट व्हीकल जब इन्वेंट नहीं किए गए थे तो उस टाइम हम ज्यादातर एनिमल्स को हम यूज करते थे फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें हेल्प करता है. इसके अलावा दे प्रोवाइड अस मीट एंड इसके अलावा दे प्रोवाइड अस व्हाट एग्स. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व देम. अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला होगा, गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, मीट कहां से आएगा, एग्स कहां से आएंगे. इसके अलावा फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड. तो फिश जो है ना ये हमें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो फिश जो है ना ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करता है. इसके अलावा इंसेक्ट जो है ना हेल्प इन पॉलिनेशन. इंसेक्ट जो है ना ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड इसके अलावा फ्रूट्स और फ्रूट ट्रीज. तो इंसेक्ट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप याद रखोगे कोई भी एनिमल कोई भी इंसेक्ट अगर होगा उसको अल्लाह ने ऐसे ही पैदा नहीं किया है, हर एक चीज जो है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है. तो यहाँ पे आप देखोगे इंसेक्ट जो है ना ये हमें हेल्प करता है पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में या फ्रूट ट्रीज के पॉलिनेशन में ये हमें हेल्प करते हैं. इज दैट क्लियर. उसके अलावा प्लांट स्पीशीज जो है ना प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स एंड इसके अलावा ह्यूमंस. जो प्लांट की जो स्पीशीज है ये हमें ये फूड प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली टू वी पीपल, नॉट ओनली टू द ह्यूमंस, बल्कि ये एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज की जब हम बात करते हैं. इसके अलावा दस एवरी स्पीशी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में हर एक स्पीशी, चाहे हम प्लांट स्पीशी की बात करेंगे चाहे हम एनिमल स्पीशीज की बात करेंगे, दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम. सो दैट्स व्हाई keeping in mind, keeping in view these points when we need to conserve the species. हमें different plants and animal species को protect and preserve करना है, क्योंकि ये points जो है ना ये इस बात को justify करता है कि क्यों हमें different डारा plants and animal species को preserve and protect करना है. Is that clear? उसके बाद में move on करते हैं next जो है ना next topic जो मैंने आपके साथ slide share की, that is reasons for extinction of स्पीशीज प्लांट एंड एनिमल. बहुत सारे स्पीशीज जो है ना वो एक्सटेंक्ट हो रहे हैं या बहुत सारे स्पीशीज एक्सटेंक्ट हुए हैं और समर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग व्हाट एक्सटेंक्ट, जिनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. जो आप 10th में पढ़ोगे रेयर स्पीशीज की हम वहां पे बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स हम देंगे कि रेयर स्पीशीज में कौन कौन आता है. इसके अलावा हम जो है रेयर स्पीशीज के अलावा वल्नरेबल स्पीशीज की हम बात करेंगे, इसके अलावा हम जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करेंगे. तो बात करते हैं कि यहां पे हमने जो मैं आपके साथ मेरी स्लाइड शेयर की है, यहां पे हमने देना है कि रीजन्स क्यों डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज जो है ना ये एक्सटिंक्ट हुए हैं या व्हाई दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. इज दैट क्लियर. तो यहां पर आप देखोगे पहला क्या है, रैपिड इंक्रीज इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से आप देखोगे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है फॉरेस्ट रिसोर्स जो है दिस फॉरेस्ट रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. क्यों ओवर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है, और फॉरेस्ट को जब कट डाउन किया जा रहा है तो वहां पर आप देखोगे जो वाइल्ड लाइफ है ना उनका नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है. तो ये एक पहला रीजन है जिसकी वजह से प्लांट्स के डिफरेंट स्पीशीज और इसके अलावा एनिमल्स के जो डिफरेंट स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो रहे हैं.
इसके अलावा सेकंड जो है दैट इज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर को लैंड को अंडर कल्टिवेशन लाने के लिए, क्योंकि आपको बताइए कि पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज हो रही है, इनफैक्ट पॉपुलेशन जो है ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, आपने इस बढ़ती हुई आबादी को, आपने उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है, तो फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है और लैंड को अंडर कल्टिवेशन लाया जा रहा है इन ऑर्डर टू फीड द एनॉर्मस पॉपुलेशन साइज। तो इससे क्या हो रहा है, फॉर लार्ज फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उसके बाद में एनिमल्स को हंट किया जा रहा है फॉर देयर स्किन एंड इसके अलावा अदर थिंग्स, उनके स्किन के लिए या उनके बोन्स के लिए या बाकी चीजें जो विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स, उनको उनका उनकी इलीगल हंटिंग हो रही है। हालांकि हंटिंग के ऊपर बैन लगाई गई है, ठीक है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया गया है 1972 में, ठीक है। तो आप देखोगे हालांकि कुछ लोग जो है उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी वायलेट कर रहे हैं, तो आप देखोगे एनिमल्स को हंट किया जा रहा है उनके स्किन के लिए या बाकी थिंग्स के लिए जो हम उनसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंट एनिमल्स की स्पीशीज जो है ना वो एक्सटेंट हो रहे हैं। इसके अलावा देन वी आर हैविंग पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से जो डिफरेंट है ना वेस्ट एंड केमिकल्स निकलता है, तो उससे आप देखोगे और उस पोल्यूशन की वजह से वो वाटर बॉडीज को भी कंटेमिनेट करता है। एंड इसके अलावा दिस पोल्यूशन की वजह से, चाहे हम केमिकल या इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करेंगे, इनसे भी आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज है ना वो एक्सटेंट हो रहा है। इसके अलावा ग्रेजिंग बाय आना डोमेस्टिक कैटल, ठीक है ना, जब आप डोमेस्टिक कैटल को अलाउ करते हैं ग्रेज करना, दिस कॉज्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इट इज हैबिटेट। तो ग्रेजिंग की वजह से जब आप डोमेस्टिक कैटल्स को अलाउ करते हो ग्रेजिंग करना, तो उसका भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर और उनके नेचुरल हैबिटेट के ऊपर। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे जो है प्लांट्स, इसके अलावा एनिमल्स की जो स्पीशीज है ना वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या कुछ एक्सटिंक्ट हुए हैं और सम आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग व्हाट एक्सटिंक्ट, जिनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, और कुछ जो है ना वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जिसकी वजह से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो स्पीशीज है ना वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था टॉपिक रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, दैट इज द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज। नाउ उसके बाद में मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, आई गेस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड द फाना। फ्लोरा एंड फाना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंट्री में क्या किया है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया है। नाउ आप बोलोगे ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं विच आर मेंट फॉर द दिस कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको बनाया गया है दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो ये आपने इसमें याद रखना है कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज है मेंट फॉर द प्रोटेक्शन और द कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यहां पे सेटअप किया गया कंट्री में। तो आप याद रखोगे ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम है सुंदरबंस, जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देन वी आर हैविंग नंदा देवी, एक माउंटेन पीक का नाम भी है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में देन वी आर हैविंग गल्फ ऑफ मन्नार, जो तमिलनाडु में पाया जाता है, नीलगिरीज जो केरला में पाया जाता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है सारे इस साइड में और ये स्टेट से जहां पे पाया जाता है। देन वी आर हैविंग ग्रेट निकोबार, तो ये पाया जाता है एंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में। मनास ये पाया जाता है आसाम में, इनफैक्ट मनास जो है ना इट इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा देन वी आर हैविंग दिस सिंपलीपाल, इट इज ए लोकेटेड इन उड़ीसा। देन वी आर हैविंग दिहांग दिबांग जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देन वी आर हैविंग डिब्रू सिखोवा, ये आसाम में पाया जाता है। इसके अलावा वी आर हैविंग
अगस्त मलाई ये केरला में पाया जाता है. देन वी आर हैविंग कंचनजंगा, ये माउंटेन पीक का नाम भी है. इनफैक्ट इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है ना दैट इज कंचनजंगा. ठीक है ना, कुछ बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है. नहीं केटो वो भी नहीं है यहाँ पे. इसके अलावा कंचनजंगा जो है ना ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है. ये माउंटेन पीक का भी नाम है और एट द सेम टाइम ये बायो रिजर्व का भी नाम है. तो ये पाया जाता है सिक्किम में. इसके अलावा पंचमढ़ी जो है ये एमपी में पाया जाता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व. इसके अलावा देन वी आर हैविंग अचानक मार अमरकांतक, ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में. एंड देन वी आर हैविंग नोरेक, ये पाया जाता है मेघालय में. तो ये स्टेट्स है और ये है बायोस्फीयर रिजर्व. 14 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कंट्री में सेटअप किए गए फॉर द कंजर्वेशन और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना. तो यहाँ पे आप देखोगे ये गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया है दिस प्लांट्स फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए. आई मीन टू से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो सेटअप किए गए. उसके बाद में बात करते हैं बेटा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और कौन से स्टेप्स लिए हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने आपके साथ शेयर की है दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू वेरियस बॉटनिकल गार्डन्स. बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स जो है ना उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वहां पे भी डिफरेंट प्लांट्स एंड स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल के स्पीशीज को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जाए. इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सेटअप किया गया. आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स के दिस विच आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग व्हाट एक्सटिंक्ट, जिनको बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो टाइगर जो है ना ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है. तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया. इसके अलावा प्रोजेक्ट राइनो भी स्टार्ट किया गया. बहुत सारे मेनी अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट राइनो, राइनोसोरस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया, और कश्मीरी स्टेट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, फ्रेश एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. इसके अलावा वल्चर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और इसके अलावा एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए. तो ये भी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है. बॉटनिकल गार्डन को फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर ने प्रोवाइड किया है. इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट किया गया. इसके अलावा डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं कंट्री में ताकि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. इसके अलावा 89 नेशनल पार्क्स को सेटअप किया गया. इज दैट क्लियर. इसके अलावा 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी सेटअप किया गया टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज की केयर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप किया गया. इसके अलावा 89 जो है ना नेशनल पार्क्स को सेटअप किया गया. हालांकि नेशनल पार्क्स का नंबर जो है वो बढ़ गया है. ठीक है ना. सो इट सेम इज द केस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इज दैट क्लियर. सो ये है डिफरेंट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना. सो दिस वॉज द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. So this was all for today. Inshallah, see you in the next video lecture. Till then, Allah Hafiz. Take care.